हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ वो है बिग बॉस 16 रोस्ट। अब तो मैंने देख रहा हूँ बिग बॉस, बट अब मैं देखना चाहता हूँ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और रोस्ट उसमें से क्या करना चाह रहे हैं। फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि वो रोस्ट बनता है या मतलब जो भी है, लाइक रोस्ट तो रोस्ट ही होता है, वो कोई पॉजिटिव चीज़ को भी रोस्ट करना जानते हैं रोस्टर। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस 16 अब तक के सारे बिग बॉस की हिस्ट्री का मेरे को सबसे अतरंगी सीजन लग रहा है, क्योंकि इसमें कंटेस्टेंट्स ऐसे ऐसे आए हैं जिनका आना कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और किसी को चाहिए भी नहीं थे। ये तो है, ये सच है। वाला एक ये थकेश, आज हम रोस्ट करेंगे ये पॉइंट की बात करेंगे। बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को वीडियो शुरू होने से पहले चाहिए भी नहीं। साजिद खान जिन्होंने हिम्मत वाला, हमशक्ल्स और हाउसफुल 3 ऐसी मूवीज बनाई है। यस, ये का बवासीर बना दिया। आगे कोई जोक नहीं है, यही जोक था। यस, यही एक रोस्ट था। साजिद खान जिनको कुछ टाइम पहले सिर्फ उनकी खराब फिल्मों की वजह से जाना जाता था, पर अब भाई आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, तुझे खाना है? हाँ, मी टू साजिद खान को अपना इमेज क्लीन करने के लिए बुलाया। एट दिस पॉइंट हमें एज अ सोसाइटी, एज अ समाज साथ आकर सोचना चाहिए कि पहले कौन सी इमेज क्लीन थी जो अब क्लीन होगी। एंड बिग बॉस में इमेज क्लीन करने कौन जाता है? बिग बॉस में क्लीन की क्लीन इमेज खराब हो जाती है। साजिद खान ने बिग बॉस के स्टेज पर सलमान खान को बोला था कि उनके करियर को उनके अहंकार, एरोगेंस, एटीट्यूड ने डुबाया है। आई विल नेवर मेक अ फ्लॉप फिल्म इन माय एंटायर लाइफ, यू नो व्हाई? बिकॉज मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। बहुत गंदी मूवी थी वो, पका हुआ है, पका हुआ है, फ्लॉप स्टोरी, कुछ खास स्टोरी। जो सिंपली प्रूव करता है कि साजिद खान खुद पे लगे मीट एलिगेशंस को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी वो अपनी स्क्रिप्ट्स को देते हैं। बिल्कुल नहीं। यार ये रोस्टर भी डिफरेंट है। टेल मी व्हेन आई कैन स्पीक अशु। शट अप साजिद। No, you don't tell me to shut up, Ashu. जो काम आशुतोष गोवारिकर ने 10 साल पहले कर और समझा लिया था, वही चीज बाकी बॉलीवुड वालों को समझाने के लिए साजिद की 10 फ्लॉप फिल्में लगी। ऑडियंस को टॉर्चर हुआ वो अलग। Please don't tell me to shut up, Ashu. Yes, Ashu. क्या बात कर रहे हो साजिद? Yes, पूरी इंडस्ट्री ने 4 साल आपको शट अप बोल दिया था। ऑडियंस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुना आपकी खुद की बहन आपको डिसओन करने वाली थी। आप कह रहे हो आपको कोई शट अप नहीं बोल सकता? नहीं नहीं, साजिद खान को सपोर्ट करने के लिए एक बिग बॉस कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने भी उनके लिए एक मैसेज दिया। जैसे आप लोगों को टीवी में हंसाते आए हो, अपनी स्क्रिप्ट्स के थ्रू हंसाते हो, मैं चाहती हूँ कि इधर रियलिटी शो में भी ना पूरा उसका दिमाग है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया और 3-4 मीटिंग हमने स्क्रिप्ट डिस्कशन किया है। इतनी प्यारी लड़की है, इतनी है। ये बहन साजिद के स्क्रिप्ट डिस्कशन में क्या कर रही है? साजिद भाई मेरे को भी रोल ऑफर कर दो यार, मैं भी दिन रात आपको वोट करो करके स्टोरीज लगा दूंगा। नेक्स्ट बिग बॉस के कंटेस्टेंट कर दो अभी से। सलमान भाई ने अब्दू रोजिक को ऐसे गले लगाया जैसे वो बजरंगी भाईजान का कोई चाइल्ड एक्टर है। वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। ये तो पाकिस्तान का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बर्गर को बर्गर कहते हैं। भाई अगर ये बर्गर वाला वायरल हो सकता है तो ये बर्गर वाला क्यों नहीं हो सकता? मुझे अंडे वाला बर्गर। ये पाकिस्तानी बर्गर बोल दे और तुम उसे ऐसे शो में लाते हो जहाँ पर डॉली बिंद्रा बर्गर ना मिलने पर ऐसा करती है। कैसे बात करता तू? अगर घर के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो फोर था। को घर के अंदर वीना वाली को पड़ जाएंगे। अच्छा दोस्त है, ऐसा लग रहा है लोग पे वीडियो बना बना के इतना पागल हो जाऊंगा मेरे को इनवाइट दे देंगे बिग बॉस के घर। मतलब क्या जमाना आ गया है ना आजकल, लड़ाइयां भी हमें एक्चुअली देखनी पड़ रही है, सब ऑनलाइन हो रहा है। सबसे शॉकिंग बिग बॉस कंटेस्टेंट एमसी स्टैन। अगर आपको नहीं पता तो एमसी स्टैन एक रैपर है, बहुत ही बढ़िया रैपर है इनफैक्ट। एमसी स्टैन जो घर के बाहर 80,000 के जूते फ्लेक्स करते हैं, 80,000 के शूज है, 80,000 के। अच्छा ये वाली वीडियो थी। लड़कों को आम क्या ममड़ा बोलने के बिजी शेड्यूल से थोड़े फ्री होकर बिग बॉस के घर में आए हैं, वो भी अभी 2 दिन रह के इधर से निकलने का बात कर रहे हैं, विच प्रूव्स के बाहर से जो इतना वियर्ड और डिफरेंट दिखता है उसका इम्पैक्ट उतना ही कम हो जाता है, चाहे उसको कितने भी छपरी लोगों के बीच डाल दो। एग्जाम्पल हिंदुस्तानी भाव, शर्म करो रे। एमसी स्टैन अपने गानों में मारने काटने की बात बहुत करता है, जितनी मारने काटने की बात होती है उससे ज्यादा नर्वस तो सलमान भाई के स्टेज पे लग रहा है। और ऐसी परेशानी की स्टैन को वहां पर देख के सब लोग खुश हो रहे हैं।
यूनिवर्सल हेटर्स भी होते ए आइला एलियन मतलब यार यही देखना बाकी रह गया था क्या बिग बॉस के अंदर। मेरे को तो लगता था बिग बॉस के अंदर शेरों की एंट्री होती है, पर यहाँ पर तो आइला पाइला आ रहे हैं। आइला मच्छर दियाड़ी लगा जोगिंदर भाई, आप जाओ ना छाती पीटो ना यार, फिर से मैं कुछ बोल दूंगा तो रोने वाली शक्ल बन जाएगी। इन लोगों ने मेरी इज्जत मार्केट में बहुत खराब कर रखा, मैंने इसलिए हिसाब पता लग रहा है आपका, 2-3 साल से बिग बॉस में छपरी पने का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो बाकी छपरियों को चीटिंग चीटिंग बोल रहे हो। बिग बॉस का ये टैगलाइन होना चाहिए, हर छपरी का दिन आएगा। बिग बॉस हर साल की तरह इस साल भी वापस आ गया, और हर साल की तरह इस साल भी ये रूमर्स थे कि कैरी मिनाटी आएगा, आशीष चंचलानी आएगा, भुवन बाम आएगा। सबको पता था ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि इनमें वो पोटेंशियल, इनमें वो बात नहीं है। तुम लोग को लगता है ये लोग अंडे ना बनाने पर झगड़ा कर पाएंगे? चिल्ला रहे टॉयलेट ना साफ करने पड़े इसलिए कैमरों पे हक देंगे। वहाँ जाने के लिए राखी सावंत के आर के जैसे कंटेस्टेंट से ठीक है, वो एग्जाम्पल बन जाते कि पैसों के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए भाई। अब यार इच्छा नहीं होती जीने। सलमान भाई को जब भी कोई पूछता है ना मीडिया वाला कि आप इतने साल से ये शो होस्ट क्यों कर रहे हो, उनका एक ही जवाब होता है, शायद पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे वो इस जन्म में चुका रहे। मैं भी ये क्या बोलता है? सलमान भाई हफ्ते भर कितना भी अच्छे से काम करे, एंड ऑफ द वीक आके उनको भी नरक के दर्शन हो ही जाते। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शो के कंटेस्टेंट्स की, जो लोग शो के कंसेप्ट को चेंज करे ना करे, इनका एक फंडा तो फिक्स होता है कि ऐसे कंटेस्टेंट चुनो जिनके पहले ही राड़े हो चुके और उनके आग में हम घी डाले। आइए देखते हैं टीना और श्रीजिता ये तो है बालिका वधू में एक्ट करती थी और दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं। श्रीजिता की कैट फाइट, क्या बिग बॉस 16 में जारी रहेगी कोल्ड वॉर? दोनों को एक साथ फेंक देते हैं, क्या पता बालिका वधू में जैसे बच्चियां थी यहाँ पर भी वैसे ही बच्चों ऐसे लड़ने लगे। बाकी कचरे की पेटी खाली की है बिग बॉस में, ऐसे टीवी एक्टर जिनको हम भूल चुके और डायरेक्टर करियर को और पीछे ढकेलने के लिए आ जाते हैं बिग बॉस में। समझ नहीं आता ये सीरियल वाले एक्टर्स पैसों के लिए कुछ भी करने कैसे मान जाते। वाकई यार। ओह वेट अ मिनट, ये क्या? ओ ये वाला तो मैं देखा, बैग में बैंड हो, बंद हो जाता है बैग। और यहाँ पर मिस इंडिया की रनर अप मानिया सिंह भी आई है, जो कि हमारी डियर फ्रेंड है जिनके साथ मैं मॉडलिंग डेज में काम कर चुका हूँ। स्ट्रगल किया है, मतलब भाई जिंदगी में कितना भी फैशन कर लो, या तो बिग बॉस में आना है या तो इंस्टाग्राम पे फालतू कपड़े। इनमें से कई एक्टर्स को लेकिन झगड़ा करेंगे तो मैं भी आएगा देखने। इसलिए पूरे घर में बच्चा नहीं चिल्लाता है मम्मी टट्टी हो गई है, धो दो। वैसे यूजलेस चीजों पे ग्रुप डिस्कशन करेंगे और ऑडियंस तो बैठी है सब देखने। ये नेट बहुत सस्ता हो गया ना, इंटरनेट सस्ता करके ना बहुत बुरा काम किया। जब शादी में आपके पास कुछ ना हो तब बच्चे ही होते हैं आपके पास टाइम पास करने, ये हो रहा है इधर। इतने प्यार से बात कर रही है, लड़का उधर टपली उपली मार के पानी ले गया, वो बेचारा 19 साल का है, सब उसे आके अल्ले बाबू 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 कर रहे हैं। जी उसको गुस्सा आएगा ऐसा अरेबिक लैंग्वेज में गाली देगा ना, इनको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा बच्चा पोएम बोल रहा है। टीना 30 साल की और अभी वो 19 साल का है, वेरी प्रोग्रेसिव ओके, क्योंकि अगर यही हिसाब उल्टा होता तो माना भाई बालिका वधू वाले एक्टर जाए ये सब नहीं कर रही भाई। तुमको हम किडनैप ही कर ले, बिग बॉस में आए क्यों हम लोग? चलो अब टीना को मालूम ही पड़ेगा कि बिग बॉस से ज्यादा फायदा किडनैपिंग में। अब बिग बॉस को बड़ा कॉन्फिडेंस है टीना को, मेरे फैन बचाएंगे मुझे, बच्चा समझ के भगा ना दे टीना। नहीं नहीं उसको ही चाहिए ब्रो, नहीं नहीं इसको और गोरी को। एमसी भाई थोड़ी सी पैंट ऊपर कर लो, हवा का झोंका आया ना। तुम लोग ये देखने के लिए अपना फोन और टीवी रिचार्ज करते हो? मैं तो हूँ, बट आपने जो किया कितने बोझ से निकले यार। मैंने कब किया? क्या किया? इग्नोर करते हैं ना और एटीट्यूड दिखाते हैं, मुझे वो मेरे को पसंद नहीं। जेन्युइन गोरी आप मेरे को सच में नहीं। अभी किचन में आके कब गिरा तो नहीं ना कुत्तों ऐसे लड़े, मेरा नाम था गया इसने। हाँ वैसे दो भाभियों को लड़ते नहीं देखा क्या तुम लोग ने? ये छोड़ो ये बिग बॉस है, हमारे इधर चौल में आ जाओ, रोज ये देखने मिलेगा। यार इसकी लॉजिक बड़ी दिमाग, बिना इंटरनेट और टीवी रिचार्ज किए इधर तो सर्वाइवल पानी के लिए झगड़ा रहा है। अपने आप को मार भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। ये देख के कंफर्म हो गया भाई बिग बॉस रियल है, स्क्रिप्टेड बिकॉज़ स्क्रिप्टेड में तो एक्टिंग की जरूरत होती है और एक्टिंग तो इनसे होती नहीं। अगले कंटेस्टेंट शिव ठाकरे, ये बंदा ऑलरेडी बिग बॉस मराठी जीत चुका है शिव ठाकरे, और अभी हिंदी वाले बिग बॉस में आ गया। क्या हुआ भाई,
पहले वाला जीत गया उसका विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है। और भाई क्या ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है बिग बॉस? हा? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल चल रहा है। बिग बॉस वालों को पता नहीं है कि एक बंद करो ना तो दो ही चीजें होती है, पहला एक तो चूहो पे एक्सपेरिमेंट या कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये भी लॉजिक सही है यार। I really like your physique, yeah. ये बंदे को लगा कि आमिर खान इसको अप्रिशिएट करके पूल में कूदने बोल रहा है कि उसको देखना है कि परफेक्टली कैसे तैरते हैं। जो भारत पूल है ना उसमें एक परफेक्ट डुबकी मार के दिखो यार। आमिर भाई की मूवीज भी कुछ दिनों से डूबी आमिर नहीं था। सब करके क्या लगा तेरे को, एक आध पिक्चर मिल जाएगी? आमिर भाई को अभी खुद को ही पिक्चर दे दे बड़ी बात है। बात तो सही है। इसको ऋतिक रोशन को कॉल आया। वेल ग्रेट, मैंने सुना है कि पूरे बिग बॉस सही रोस्ट मार रहा है। मेरे साथ दिखता है भाई गौतम। तुमको लगता है एक्ट्रेस अपना काम धंधा छोड़ के बिग बॉस देखते होंगे? देखो मालूम नहीं, वैसे भी बॉलीवुड का हाल ऐसा है बिग बॉस ही देखते होंगे अभी तो। आई एम सॉरी बाबू, हिसाब से बॉलीवुड जा रहा देख के लग नहीं रहा है कि सीजन 17 में किसी बाहर वाले को बुलाएंगे, सारे बॉलीवुड वाले आ जाएंगे। यार नंगा होने से इतना क्या ऑब्सेशन है? ये लोग घर पे भी नहाते होंगे ना तो कपड़े पहन के नहाते होंगे। बिग बॉस में जैसे ये तो है मानो बन जाते एकदम नंगे पुंगे। बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे, हट हो रहा है, हट हो रहा है। सुनो बॉडी दिखानी है ना, आई लव यू नंगे पुंगे। सूरत देखा है गौतम? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। या मैं सीजन नहीं दिखा रहा सूरत, ये सब करते हुए दिखा ना। लगता है ये वीडियो बिग बॉस ऑडिशन क्लिप के लिए भेजी होगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कसम से भाई आई होप मेरे को किसी दिन जाना ना पड़े बिग बॉस में। बट वेरी कूल वीडियो, पसंद आया लाइक करो चैनल यार, सही ले रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। एंड आल्सो मैंने वन कार्ड के बारे में बताया, लाइफ टाइम फ्री रिवॉर्ड्स है इस पे, कितनी बार स्पेंड करोगे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कहीं से आप कोई तो कार्ड से स्पेंड करते ही हो ना, इससे कर लो, लाइफ टाइम फ्री है ये भाई। अभी के अभी आपको वर्चुअल कार्ड मिले, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो ऐप। एंड मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर देना, क्वेश्चंस पोस्ट करना Q&A वीडियो के लिए, फॉलो कर लेना। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा मैं देख रहा हूं बिग बॉस, बस मैं तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि मैं अभी थोड़े दिनों में छोड़ने वाला हूँ बिग बॉस को देखना। बट मैं एक चीज उसको कहूंगा, उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उसने क्या लॉजिक्स निकाली है रोस्ट करने की, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त ने डिफाइन किया हर चीज को। और मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं था वैसे इन चीजों की तरफ भी, तो उसने कमाल कर दिया यार। और साथ में वीडियो अच्छी लगी वगैरह अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लाजम बताइएगा, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उनको। तो चलें वीडियो एंड करते हैं, बाय।